हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज है फूलदेई। उत्तराखंड का बहुत ही सुप्रसिद्ध जो फेस्टिवल होता है, फूलदेई उसको बोलते हैं। और फूलदेई में देखिए, हमने भी फूल अभी रख दिए हैं और मैं लाई थी ये फूल का एक बुके, तो इसमें मैंने निकाल निकाल के यहाँ लगा दिया है। इसको मैं सजाऊंगी अभी घर में, और इसमें भी लगा दिया मैंने एक फ्लावर वास यहाँ पे, तो इसको यहाँ एक ये देखिए कलश मैंने मंदिर के यहाँ बाहर के दरवाजे के लिए सजा रखा है, अभी इसको भी रखूँगी। तो दोस्तों, आप लोग भी फूलदेई का त्यौहार मना रहे होंगे अपने घर में। और बहुत ही हमारे उत्तराखंड का ये त्यौहार जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक फ्लावर वास ये सजा दिया है। और उत्तराखंड में जो ये फूलदेई का त्यौहार होता है, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अभी बसंत ऋतु होती है, और बसंत ऋतु में सारे एक बार फिर से पेड़ पौधे सब भरे भरे हो जाते हैं और फूल खिलने लग जाते हैं। तो इस त्यौहार फूलदेई का त्यौहार जो है बेसिकली जो होता है बच्चे मनाते हैं। बच्चे घर घर सबके घरों में जाके फूल दे चंपा दे इस तरह का बोलते रहते हैं, और उनको फूल डालने के बदले में वहाँ से चावल पैसा, मतलब जो जिसकी जितनी श्रद्धा है अपने श्रद्धा के अनुसार ही दिया जाता है। और बच्चे खुश हो जाते हैं, खुश होते हुए अपने घर आके फिर जो चावल मिले होते हैं गाइस, उस चावल का घर आके उसको भिगा के शाम को उसका एक प्रसाद बनता है और पूरा परिवार उस प्रसाद को खाता है, तो ये त्यौहार बन जाता है। फूलदेई जो एक शब्द है वो पहाड़ का फूल मीन्स ये फूल आप तो जानते ही हैं, देई मीन्स होता है दरवाजा, मतलब घर घर जाके जैसे फूल ऐसे डाले जाते हैं। जो बच्चे जितना फूल, जैसे मैं अभी ऐसे बच्चे घर में आएंगे और बोलेंगे फूलदेई छम्मा दे फूल इस तरह से, तो ये हो जाता है त्यौहार। इस फूल को घर में डालने से बहुत ही खुशहाली आती है। और घर सनातन धर्म में हिंदू संवत के अनुसार जो होता है, ये चैत के महीने में ही नया साल मनाया जाता है। तो नया साल वैसे हम लोग जनवरी में मना लेते हैं, बट जो हमारा सनातन धर्म है वो आज से शुरुआत करता है। तो आज से नया साल के उपलक्ष में तभी हम लोग घर घर जाके फूल फैलाते थे, बच्चे आज भी वही त्यौहार मनाया जा रहा है, ताकि घर में पूरे साल खुशहाली आए, बरकत आए, लक्ष्मी मैया का वास हो, इसीलिए गाइस ये त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर उत्तराखंड के बाहर से मुझे इस व्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। हमारे वहाँ तो इस त्यौहार को फूलदेई के नाम से मनाया जाता है, और आप लोग इस त्यौहार को किस नाम से मनाते हैं, आप चाहे कोई भी स्टेट के हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो अब मैं आपको एक बार घर को कैसे मैं डेकोरेशन करूँगी उस तरह का दिखाऊंगी, और पूजा भी अभी करी नहीं है मैंने, पूजा भी कर लेती हूँ। फूल दे छम्मा दे फूल दे।
आप सभी को फूल देवी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे आपके घर में बहुत ही खुशहाली आए इस नए साल में, आप लोग बीमारियों से मुक्त हो जाएं और आप लोगों के घर परिवार में इतनी समृद्धि आए कि धन दौलत सबसे आपका घर सुख समृद्धि से लबालब हो जाए। तो गाइज अभी आप इस ब्लॉग को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा और मैं आगे भी इसमें और भी कुछ ऐड करने वाली हूँ। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि जिस किसी ने भी अगर मुझे आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की मोटिवेशन से मुझे और भी प्रेरणा मिलती है कि मैं बहुत जगह जाके आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊं, ट्रैवल व्लॉग बनाऊं। और अभी तो ये मेरा घर का ही व्लॉग है, पर मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार व्लॉग। तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूं अब अपने ऑफिस में, और यहां आके मैंने देखा कि हमारे स्टाफ ने भी यहां पर बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ है। पानी भी एक पॉट में भर के रखा हुआ है, उसमें फूल भी डाले हैं, और देखिए ऑफिस का नज़ारे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोचा तो था गाइस मैंने मार्केट जाऊंगी और आप लोगों को मार्केट का होली की ख़रीदारी दिखाऊंगी, कैसे कलर्स हैं क्या हैं सारा कुछ मुझे जाना तो था, लेकिन यहाँ पर मुझे शाम को कॉल आ गया कि आप बैठो शाम को, आज शाम का स्टाफ कोई नहीं था यहाँ पे ड्यूटी पे, तो मुझे आना पड़ा और मैं यहाँ पे बैठ के अब जाके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। पेशेंट सारे रिपोर्ट्स वगैरह लेने आते हैं, काफ़ी लोग आ गए थे, कभी कोई, तो मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी इसीलिए। अब तो रात काफ़ी हो गई है, अब कुछ मैं शूट नहीं कर पाऊँगी और मैं अपने व्लॉग को अब आज यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों ने देख लिया होगा पीछे सारा घर की थोड़ी सजावट से आज कर ली थी, तो अब करते हैं इस व्लॉग को एंड और मिलते हैं आपको एक नए मज़ेदार व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।